कागभुसुंडी जी ने लोमस ऋषि जी महाराज से कथा सुनी। सगुण भगवान की कथा सुनाते सुनाते लोमस ऋषि जी निर्गुण भगवान के भाव का निरूपण करने लगे। कागभुसुंडी जी अपने पक्ष में हठपूर्वक डट गए, बोले हमको तो सगुण भगवान से प्रेम है, निर्गुण भगवान को न जानू। अरे उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध कै चीना। सगुण भगवान श्रेष्ठ है, लोमस जी बोले निर्गुण श्रेष्ठ है, भुसुंडी जी बोले सगुण श्रेष्ठ है। इतना आवेश आया, लोमस जी ने शाप दे दिया, तुम्हारे हृदय में अपने पक्ष पर इतना श्रद्धा विश्वास है, जाओ कौवा की तरह काव काव करते हो, कौवा हो जाओ। सपति हो पक्षी चंडाला। कागभुसुंडी जी ने कहा यहां भगति पक्ष हठ राख्यो दीन महर्षि सा मुनि दुर्लभ भर पायो देखो भजन प्रताप। मैं भगवान की कृपा से अपने पक्ष में डटा रहा और कैसा आशीर्वाद मिल गया, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की स्मृति बनी रहेगी। अव्याहत गति अर्थात जहां चाहोगे वहां चले जाओगे, जो शरीर चाहोगे पकड़ लोगे, लेकिन एही तन राम भगत मोहि जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। मुझे कौवा बने रहना ज्यादा अच्छा लगता है, कारण इसी शरीर में भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हुई। भक्त को अपने पक्ष में हठ रखना चाहिए। कई बार कोई दुष्ट तर्क करे ना तो प्रणाम करके दूर हो जाना चाहिए, बहस में नहीं पड़ना। ब्रह्मज्ञानी कलयुग में बहुत हो जाते, ये कलयुग नहीं हर कलयुग में। कई बार तो इतनी घटना ऐसी स्थिति आती है, ट्रेन में यात्रा जब करते थे ना तो देखा लोग बहस करते करते भगवान तो वहां है कि नहीं है, लेकिन आपस में झगड़ा तक कर लेते, कपड़ा फाड़ डालते। ऐसी ऐसी हटता नहीं करनी चाहिए। कोई समझ में आवे बताने लायक हो तो बताओ, नहीं अपनी निष्ठा को बना के रखिए। भगवान हैं, भगवान सर्वत्र हैं, ऐसा शिव शास्त्र कहता है। मेरे बाबा जी ने कहा श्री हनुमान जी भजन करते हैं, भगवती कथा सुनती हैं, अपनी निष्ठा को बना करके रखना चाहिए। दुष्ट तर्क कोई करे उसको प्रणाम करे, कान बंद कर ले, न बोलिएगा, कोई बुलाएगा क्यों बहस में पड़ना, विश्वास में रहना चाहिए। क्यों? विश्वास ही परमात्मा का स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जो विश्वास करता है उसको दर्शन होता है। देखिए ध्रुव जी को दर्शन हुआ विश्वास से, प्रहलाद जी को दर्शन हुआ विश्वास से, प्रहलाद जी के विश्वास से बाप जी को दर्शन हो गया, केवट को दर्शन हुआ विश्वास से, भक्ति मिली विश्वास से, विभीषण को दर्शन हुआ भक्ति मिली विश्वास से, हनुमान जी को दर्शन हुआ विश्वास से। अरे जिसका जिसका विश्वास दृढ़ है उसको भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। हमारा भी दृढ़ कैसे, भगति पक्ष हठ नौ पथ है, इनमें से एक भी पकड़ करके एकदम हठतापूर्वक डटे रहना चाहिए। हमको जो कार्य मिला है उसमें रमण करना चाहिए। सबके लिए सब व्यवहार नहीं है, जिसको जो कार्य मिला उसको खूब आनंद पूर्वक, भगवान की सेवा ली है बड़े आनंद के साथ, यजन लिया है आनंद के साथ, स्मर लिया है आनंद के साथ, अब व्यवहार की उच्च कोटि की जो अवस्था ऊर्ध्व अवस्था है उस पर जरा देखिए। दोहा बड़ा प्यारा है, ये विषयानंद ब्रह्मानंद, अब आया परानंद। इन दोनों आनंदों से भी श्रेष्ठ एक आनंद है जो हम आप कथा में प्राप्त करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मल ओ ताकर सुख सोई जाने परानंद सनंद। भगत कौन समय जब भी समय मिले तब मेरे नाम में लग जाए। मम गुण ग्राम नाम रत गुण ज्ञान, गुण गान क्या, भगवान के गुण समूहों का गान करता रहे। कोई भी मिले आ भी गया तो भगवान की कथा उनको सुनाया,
भगवान के चरित्र के बारे में चर्चा किया, फुर्सत भी मिली तो भगवान की ही बात किया, संसार की हालचाल का कोई काम नहीं। हमारे एक मित्र हैं, उनकी श्रद्धेया माता जी, पूरा भरा पूरा परिवार है। आप जाओगे, आप पहुंच भर गए, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बस दो व्यवहार, एक व्यवहार, सीताराम सीताराम करो, सीताराम सीताराम। बेटा आवे कि दामाद आवे कि बिटिया आवे, ये जीव सबके बस की गति नहीं है। भजन करे करे धीरे धीरे हम यहाँ पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, धीरे 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 ये स्वभाव हमारा आपका बन जाएगा, जिसका बन जाए। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मज मोह, ममता मद और मोह ये तीनों छूटना सरल नहीं है। मेरे से ममता होती है, ये मेरे हैं, कल कहा ना स्थान मेरा है, आप दूसरी जगह जाओ, पहले दिन से बैठ रहा हूं, ये ममता है। ममता की पूर्ति भाई तो मद होता है, और इन दोनों में उपलब्धि हो गई तो जीव को मोह प्राप्त होता है, और मोह बीमारी नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ममता किससे होती है, जिससे थोड़ा स्वार्थ होता है, जिससे स्वार्थ नहीं हो ना उससे ममता नहीं होती। अब देखिए, बच्चों को माता पिता में ममता नहीं होती है, माता पिता की बच्चों में ममता होती है। ये ममता बच्चे समझ नहीं पाते, वो तब समझते हैं जब उनके बच्चे होते हैं। ममता जिससे आपका स्वार्थ होगा उससे ममता होगी, लेकिन भगवान नाम गुणगान में, भगवान के नाम स्मरण में जो जीव लग जाएगा, प्रभु कहते हैं गत ममता मद मोह, उसकी ममता उसका मद उसका राग सब समाप्त हो जाएगा। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61 निकाल कर पढ़िए, देखिए गौर से। परमात्मा शिव ने मां भगवती से कहा, क्या है, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भार। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलेगी, और बिना भगवान की कथा के मोह नहीं भगेगा। बिना सत्संग अर्थात हरि कथा के बिना, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भार। जब तक मोह नहीं जाएगा, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलेगी माई बाप, और बिना कथा के मोह नहीं जाएगा, और बिना मोह गए भगवान में अनुराग नहीं होएगा। राग अनुराग और वैराग्य, जगत में हमारा प्रेम राग है, भगवान के सगुण स्वरूप के प्रति अनुराग हमारा प्रेम अनुराग है, और चिदानंद रूपो शिवो हम ऐ चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, ये वैराग्य है। साधना की उच्च अवस्था में ये पूजा पाठ भजन आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होने लगता है। माला जपू न कर जपू जिभ्या कहू न राम सुमिरन मारा हरि करे मैं पाया विश्राम। कब, अपने आप चलने लगेगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा रामे 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 रामे। आप जो कहोगे रामे रामे वो फरका हो जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं आपको, आपने देखा होगा कई लोग अपनी नाक सकोड़ते रहते हैं, क्यों, उनको आदत पड़ गई है। जैसे नाक सकोड़ने का आता है वैसे कई लोग आंखें फटकाते हैं, इसी तरह रामे रामे की आदत डाल डालो, नाक सकोड़ने से और आंख फटकाने से अच्छा कई लोग कंधे फटकाते रहते हैं, इससे अच्छा है
आप राम ही राम के आदर राधे 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 इसी में अवस्थित हो जाओ। कब? धीरे धीरे करिए, किसी को पता न चले। ये है मम गुण ग्राम नाम रत। रत मने लगा हुआ, भगवान नाम एकदम लगा हुआ। उसी में कौन? सुदीक्षण जी महाराज, अरण्यकांड। सुदीक्षण जी महाराज, और जो नाम में रत है उसको कुछ करना नहीं, उसका भगवान अपने आप करते हैं। सुमिरन मारा हरि करे, हरि में कहा अंदर बैठा, हरि करे मैं पाया विश्राम। ये मम गुण ग्राम भगवान के गुण समूहों का गान करता रहे, श्रवण करता रहे, हमारे नाम में लगा रहे, गाए। अब ईश्वरत्व के साथ भगवान कहते हैं, परिणाम तो ममता छूट जाएगी, प्राप्ति का मद समाप्त हो जाएगा और मेरे में उनका प्रेम हो जाएगा। जगत का राग हमारे में ऊर्ध्व होकर लग जाएगा। देखो भैया, जगत में प्रेम बुरा नहीं है, जगत के प्रेम को ऊपर ले चलना है, कहां? प्रभु की ओर ले चलना है। करो दीदार किस किस की, तेरा बस प्यार काफी है, केवल भगवान में। ऐसे अपने आप नहीं होगा, सब काम धीरे धीरे होगा तो ये भी काम धीरे धीरे हो जाएगा। फिर ताकर सुख सोई जान जी परानंद संदो। अक्षुण विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद, इसके बाद ये परानंद, जगत से कोई अर्थ नहीं, ये तो परम विरक्ति की अवस्था है। धीरे धीरे उसका सुख, सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पह जाए बखाना। भगवत रस का, भगवत कथा का, आपसे कोई पूछे कि भाई आप यहाँ कथा सुन रहे हो, अभी कल से, कल 25 है पूर्णावति होगी और 26 से वो मैदान में बड़े भैया पूज्य विजय कौशल जी महाराज की रामकथा हो रही है, तो अभी तो आप रामकथा सुने हो, फिर दोबारा रामकथा, आपको इससे क्या मिलता है? क्या उत्तर है? कोई उत्तर नहीं। क्यों? सो सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पही जाई। देखिए, आप उसी सुख का वर्णन कर सकते हैं जिसका संबंध इंद्रियों से है, जिसका संबंध इंद्रियों से पार मन और हृदय से है, उसका वर्णन नहीं होता। आप गौर करिएगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको जिह्वा बोल पाती है और जिसको जिह्वा नहीं बोल पाती है उसको आंख बोलती है, फिर अश्रु निकलते हैं। छोटा बच्चा अपनी बात आपसे कह ले तो वो बोलकर खुश हो जाता है, जब नहीं कोई सुनता है समझता है तो बच्चा रोता है, रोता है समझने वाला समझ जाता है। बस ये बात यहां परमात्मा श्री राम लक्ष्मण को देखा जब सखी ने, तो क्या कहा? सखी भागी भागी आई, बोली देखो, बोले कैसे हैं? सखी ने कहा कैसे हैं? सखी बोली श्याम गौर किम कहूं, गिरा अनयन नयन बीनु बार, बरनत छबि जहां तह सब लो अवश्य देखी अही देखन जो। अव्याख्य है सुख, अवाख्य है किसका? भगवत दर्शन का, भगवत भाव में प्रीति का। भगत का क्या स्वभाव? भगवान के गुणानुवाद में आनंदित रहे, परमात्मा के नाम में लगा रहे, धीरे धीरे संसार से ममता, प्राप्ति का मद और संसार के प्रति जो राग है वो परमात्मा की ओर चला जाएगा, इसका सुख उसी को प्राप्त होगा। यह सुख कौन सा है? भगवत कथा का, भगवत भक्ति का जो सुख है वो न विषयानंद है न ब्रह्मानंद है, वो परानंद है, सभी आनंदों से श्रेष्ठ है, वो जिसको प्राप्त होता है संदोह परम संतुष्ट भगवान में लगा है रहता है। हमारे आप में भी ये इन 8 में से एक भी लक्षण दिखाई पड़े, यत्न करें, चाहे जैसी संगति न करें, चाहे जो असन प्राप्त न करें, संसार के सुख में प्रसन्न न हो, संसार के सुख के बाहर एक परमार्थ सुख है जो परमात्मा के नाम का
परमात्मा के गुणानुवाद का उसमें लगे रहने का यत्न करें। भक्ति जिस पथ पर हम चलें, शिव उपासना करते हैं, शक्ति उपासना करते हैं, नारायण उपासना करते हैं, राम उपासना, कृष्ण उपासना, अथवा जो परंपरा हमारी हो उसमें निष्ठापूर्वक लगे रहें। कोई समझाए तो भी समझना नहीं चाहिए, अंदर के भगवान की बात मानकर मम गुणग्राम नामृत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद। दूसरा नहीं जानेगा, उसको हम ही जानेंगे, जैसे हम आप विगत 8 दिनों से जान रहे हैं। भगवान ने कथा सुनाई, भैया लोगों ने चरण पकड़ लिया। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। भगवान के भाव को सुनकर, भगवान की कृपा को समझकर सब लोग प्रभु के सिर चरणों में गिर गए। हम भी आप भगवान के इस संदेश को सुनकर सपरिवार परमात्मा के सिर चरणों में इन शीर्षक के साथ लगे कि सोई सेवक प्रियतम हम सोई, सोई सेवक प्रियतम ने मानव शरीर की श्रेष्ठता का वर्णन किया और हम भगत हैं, भगत रहें, भगत ही हों, इसका मार्गदर्शन किया। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 42 से 46 तक हमने आपने इन 4 दोहे के प्रसंग को परमात्मा के द्वारा बताए गए अनुसार स्मरण में लिया। यत्न करिए और भगवान के बताए इस मार्ग का हम धीरे 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 अनुसरण करें, प्रभु की कृपा होगी। भक्ति पथ सबसे सरल पथ है। ज्ञान, अष्टांग योग, यज्ञ, तप सब कठिन है, सबसे सरल है भक्ति पक्ष। एकदम आनंद में जो हमने पकड़ लिया उस पर चलते रहिए। भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान मिले मिलाए हैं ऐसा विश्वास रखना चाहिए।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।